Hello and welcome to Chehal Academy. In this video, we are going to cover the conquest of Bengal by the British East India Company. Let's get started. What are we going to discuss today is like about the Bengal provinces during of a Mughal period of time. हम इसमें देखेंगे कि किस तरीके से बंगाल का प्रोविंस जो था मुगल एम्पायर में कैसा था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर कैसा हुआ. फिर हम बात करेंगे बैटल ऑफ प्लासी की. इस एरिया के अंदर एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी गई. फिर मीर जाफर इरिटेशन एंड ट्रीटी ऑफ 1760 एंड फाइनली वी विल फिनिश विद द बैटल ऑफ बक्सर. सो द फर्स्ट अबाउट बंगाल. बंगाल वॉज द रिचेस्ट प्रोविंसेस ऑफ द मुगल एम्पायर. ये वो एरिया था जो ब्रिटिश एम्पायर को 60% एबो रॉ मटेरियल देता था. यानी इसी पर्टिकुलर प्रोविंसेस से ईस्ट इंडिया कंपनी का जितना भी रॉ मटेरियल तैयार होता था वो इसी एरिया से लिया जाता था. सो बंगाल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया था. इस एरिया को पाने के लिए अलग अलग कंसेप्ट अपनाए गए और बंगाल ही पहला एरिया है जो ब्रिटिश कॉन्फिडरेसी के अंदर आता था. बंगाल एरिया जो है वो मुगल एम्पायर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि मुगल एम्पायर के लिए भी ये एरिया फर्टाइल था और मुगल एम्पायर इंक्लूडेड प्रेजेंट डे बांग्लादेश का एरिया भी ये सारा आपका बंगाल के अंडर आता था. तो एक बहुत बड़ा एरिया ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था. बंगाल में अगर हम देखें तो बंगाल अपने रिसोर्सेज के लिए जाना जाता था. यहाँ पे काफी सारे एक्सपोर्ट्स जो है बंगाल से यूरोप भेजे जाते थे जिसमें सॉल्पेटर, राइस, इंडिगो, पेपर, शुगर, सिल्क, कॉटन, टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट्स. तो अगर आप देखेंगे तो ये वो सारे रॉ मटेरियल्स और गुड्स हैं जिनकी उस समय यूरोप के अंदर काफी सारी डिमांड थी. यानी यूरोप की मार्केट को बंगाल की बहुत ज्यादा जरूरत थी और यही वजह है कि बंगाल को गोल्डन एरा के नाम से जाना जाता है. यानी कि अगर हम देखें तो इंडिया बंगाल के लिए जाना जाता था. 60% जो ब्रिटिश इंपोर्ट होता था एशिया का कंसिस्ट ऑफ द गुड फ्रॉम बंगाल वो प्योरली बंगाल से लिए जाते थे. इसीलिए अगर आप देखेंगे तो हर यूरोपियन कंपनीज बंगाल को कंट्रोल करना चाहती थी. फाइनली ये बंगाल का एरिया ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलता है और ब्रिटिश फैक्ट्रीज जो सेटअप की जाती हैं जैसे बालासोर, हुगली, कासिम बाजार, पटना एंड ढाका, ये सारी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी. और इस एरिया में अगर आप मैप देख पा रहे होंगे ये सारा एरिया ब्रिटिश ने अपने अंडर कर लिया था. अलग अलग पॉलिसीज के थ्रू इन एरियाज को कंट्रोल किया जाता था और बंगाल के एरिया से ही जितनी भी सैलरीज उनके ऑफिसर्स की होती थी या जितने भी गवर्नर जनरल्स होते थे यहीं से ली जाती थी. अगर हम देखें कि बंगाल का जो एरिया ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला इसके पीछे सबसे बड़ी बैटल जो लड़ी गई वो थी बैटल ऑफ प्लासी. बैटल ऑफ प्लासी का अगर आप बैकग्राउंड चेक करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें यहां पे जो पता चलती है वो है सराजदुल्ला. बैकग्राउंड में अगर आप पता करेंगे तो सराजदुल्ला जो है वो बंगाल को नवाब थे और यहां नवाब के खिलाफ एक चीज जो हो रही थी वो था कि रैपिड मिसयूज ऑफ द ट्रेड प्रिविलेज. यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी मिसयूज कर रही थी दस्तक पास का. दस्तक पास एक काइंड ऑफ आइडेंटिटी होती थी जिसका गलत तरीके से गुड्स के यूज करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी उसको अलग अलग तरीके से यूज करती थी और ईस्ट इंडिया कंपनी का ये काम करने से नवाबों के फाइनेंस सिस्टम पे बहुत इंपैक्ट पड़ रहा था. सेकेंडली इंग्लिश जितनी भी ईस्ट इंडिया कंपनीज या फ्रेंच की जो कंपनीज हुआ करती थी वो अपने एरिया को बहुत ज्यादा फोर्टिफाइड करती थी. यानी उसको हम ये कह सकते हैं कि एक पूरी तरीके से अपनी फैक्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए वो एक वॉल खड़ी करते थे और ये ही रीजन बनता है बैटल ऑफ प्लासी का क्योंकि नवाब की परमिशन के बिना ईस्ट इंडिया कंपनी ये काम कर रही थी. देन सराजदुल्ला नवाब ऑफ द बंगाल को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई. ही फाइनली अटैक दिस एरिया एंड सीज द इंग्लिश फोर्ट एट कोलकाता एंड फाइनली इट लेड टू द बैटल ऑफ प्लासी. बैटल ऑफ प्लासी में एक जो सबसे बड़ा एक ट्रेजडी हुई, आप एक इंसिडेंट कह सकते हैं, ब्लैक होल. यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के काफी सारे ऑफिसर को एक रूम में बंद कर दिया जाता है और इस एरिया में बंद करने के बाद उनकी डेथ हो जाती है और यही चीज रॉबर्ट क्लाइव को पसंद नहीं आएगी और वो सराजदुल्ला के ऊपर अटैक कर देगा.
अब ये एरिया के ऊपर अगर हम देखें तो इसमें सबसे बड़ा रोल जो था वो था रॉबर्ट क्लाइव का। रॉबर्ट क्लाइव उस समय जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी यानी मद्रास में थे, एंड फाइनली इस न्यूज को मिलने के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने एक सीक्रेट अलायंस साइन कर दिया जो कि उस समय सराजुद्दौला के साथ थे, जिसमें से नवाब मीर जाफर एंड राय दुर्लभ जगत सेठ एंड ओमीचंद इन सब के साथ ये अलायंस किया गया कि अगर सराजुद्दौला को हराया जाएगा तो उसके अगेंस्ट उनको काफी सारी वेल्थ और प्लस मीर जाफर को नवाब ऑफ बंगाल बनाया जाएगा। ये चीज सुनते ही दोनों ने डिसाइड कर लिया और फाइनली सराजुद्दौला को ये लड़ाई अकेले में लड़नी पड़ी, एंड सराजुद्दौला एंड हिज आर्मी वाज डिफीटेड ड्यू टू द कंफ्लिक्ट, इंटरनल कंफ्लिक्ट्स और आउटर कंफ्लिक्ट बहुत ज्यादा थे और इसी की वजह से उनको हार का सामना करना पड़ा और मीर जाफर जो है वो बंगाल का नवाब बन गया। अगर हम बैटल ऑफ प्लासी की सिग्निफिकेंस को देखें तो मीर जाफर गेव लॉट ऑफ मनी टू एंड प्लस जमींदारी राइट्स, 24 विलेज के राइट्स जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गए। और मीर जाफर को ये उम्मीद थी कि नवाब बनने के बाद उसके पास कोई अथॉरिटी आएगी, जो नहीं हो पाया। साथ में ही इस बैटल से हम ये कह सकते हैं कि एस्टैब्लिश द मिलिट्री सुप्रीमेसी ऑफ द इंग्लिश इन बंगाल, पूरी तरीके से बंगाल जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटिशर्स को मिल गया। एंड ब्रिटिश मीन रिवाइव द फ्रेंच, जो उस समय एक बहुत बड़ा कंफ्लिक्ट चलता था वो भी खत्म हो गया। और हम ये मान सकते हैं कि बैटल ऑफ प्लासी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के दरवाजे पूरी तरीके से खुल गए और जितना भी रॉ मटेरियल ड्रेन ऑफ वेल्थ है वो इसी पीरियड में स्टार्ट हो चुका था। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को समझने के लिए आप फॉलो करिए यूट्यूब चैनल चहल एकेडमी। स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस। बाय बाय।